पंजाब चुनाव को लेकर थोड़ी देर में सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग की एक अहम बैठक है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को बकायदा एक पत्र लिखकर 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के लिए मतदान न कराने की मांग की है। इन दलों ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। उधर कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे पर चन्नी और सिद्धू में घमासान की खबर है। चन्नी के भाई समेत 2 करीबी रिश्तेदारों का टिकट कटा। इस बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को लेकर भी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दांव खेला है। मस्क को पंजाब में निवेश के लिए न्योता दिया गया है। हालांकि देखिए, 3 महत्वपूर्ण खबर पंजाब से जुड़ी। पहली, 16 तारीख को मतदान की जो तारीख है वो रविदास जयंती में, क्योंकि श्रद्धालु बनारस चले जाते हैं, ये दलील पार्टियों की तरफ से दी जा रही है, तो वो तारीख थोड़ी आगे बढ़ाया जाए, उस पर 10:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। दूसरी खबर, टिकट बंटवारे को लेकर घमासान की स्थिति दिख रही है चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच। चन्नी के कई खास लोग हैं जिनके टिकट कटे हैं, जिस बात से वो भी नाराज है, उनके साथ वाले लोग भी नाराज है, तो ये किस करवट ऊट बैठता है ये भी देखना होगा। वहीं एलन मस्क को लेकर भी एक नया दांव, चुनावी दांव चल दिया गया है और ये कहा गया है कि मस्क को पंजाब में निवेश के लिए न्योता दिया गया है। कमलजी संधु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। कमलजी, कुल मिलाकर देखिए, यहां पर पंजाब में सियासी तूफान है, जहां एक तरफ तारीख आगे बढ़ाने को लेकर मीटिंग होने वाली है 10:30 बजे, वहीं दूसरी तरफ टक्कर अभी खत्म नहीं हुई है नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच। बिल्कुल, राजनीति गर्माती जा रही है, खासतौर पे जब टिकट का बंटवारा हुआ है और 85 से ज्यादा ये टिकट दी गई हैं, उसमें डॉक्टर मनोहर जो कि खुद के भाई हैं चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके, उनको टिकट नहीं गई है और कहीं ना कहीं वो उंगली उठा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू पर। लेकिन उन्होंने कहा है कि पिछले चुनाव में भी वो इंडिपेंडेंट लड़े थे और इस बार भी ऐसा होगा। एक और अन्य रिश्तेदार है जो कि बीजेपी की टिकट से लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी ने अभी तक घोषणा नहीं की है अपनी टिकट की, क्योंकि उनका अलायंस है पीएलसी और ढिंडसा की पार्टी के साथ, और क्योंकि 21 तारीख नॉमिनेशन का दिन है तो इससे पहले सारी जो परतें हैं वो खुल भी जाएंगी। लेकिन जो पहला दाव है वो कांग्रेस ने किया है और अपना टिकट अनाउंसमेंट किया है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी खुद चमकौर साहब से लड़ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से लड़ रहे हैं, लेकिन जहां पर अपनी बात आती है भाई भतीजावाद, जिस तरह से एलिगेशन पहले लगते आए हैं, इससे बचने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी खुद तो लड़ रहे हैं लेकिन उनके भाई दावेदार नहीं होंगे कांग्रेस पार्टी।